गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 के 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्रीड़ा क्रीड़ायाम, यानी कि लर्न वेल प्ले, यानी खेल खेल में आपको सीखने का मिलेगा कि पटती और नमती क्रियाओं के साथ वाक्य बनाएं। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं पट और नम धातु से। तो कैसे बनाना, आपको पट धातु और नम धातु दोनों ब्रैकेट में गोल गोले में दी हुई है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हुए हैं और कुछ सर्वनाम पद दिए हुए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि राम पटती, तो पटती तो आपको धातु लेनी ही है हर वाक्य में, और इसके अलावा आपको जैसे कि यहाँ पर राम दिया हुआ है, तो जैसे पटती राम, स पटती, सा पटती, रमा पटती, तो इस तरह से आपको वाक्य बनाते जाने हैं, पट धातु से बनाने हैं, इन शब्दों को जोड़ना है पट धातु से। इसी तरह से यहाँ पर देखो, नमती आपको धातु दी हुई है, अब इससे आपको बनाना है तो स सूर्य नमती, तो ये हो जाएगा ऐसे स सूर्य नमती, स सूर्य नमती हो जाएगा, छात्र अध्यापक नमती, तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक नमती, फिर इसके बाद मुझे स ईश्वरम नमती, फिर हो जाएगा स जनकम नमती, तो यहाँ पे आपको इन वाक्यों को ला करके नमती से मिला देना है। फिर अगला है जैसे कि राजीव और मीरा, राजीव और मीरा संज्ञा शब्दों के साथ वाक्य बनाएंगे, यानी कि आपको राजीव और मीरा संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, इनसे वाक्य बनाना है। तो राजीव यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे लिखा है, इसने एक वाक्य बना के दिया है, राजीव क्रीडन्ति। फिर आपको बनाना है राजीव हस्ती, राजीव खादेती, राजीव धावती, राजीव भ्रमती, राजीव चलती, इस तरह से आपको यहाँ पे वाक्य बनाने। मैंने यहाँ पे आपको लिखे भी है राजीव हस्ती, राजीव खादेती, राजीव धावती, राजीव भ्रमती, राजीव चलती, तो इस तरह से आपको वाक्य बनाते जाने हैं, यानी कि आपको क्या करना है, इन वाक्यों को इन शब्दों से जोड़ना है। फिर इसमें ही यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है मीरा शब्द है, अब इस मीरा शब्द से आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा, मीरा क्रीडन्ती, यानी कि मीरा और क्रीडन्ती, तो इसने बना के दिया ही है मीरा क्रीडन्ती, तो फिर आपको बनाना है मीरा खाद्यन्ती, तो मीरा खाद्यन्ती, इस तरह से बनाना मीरा खाद्यन्ती। फिर मीरा धाविष्यति, तो ये हो जाएगा मीरा धाविष्यति, इस तरह से मीरा धाविष्यति। फिर हो जाएगा मीरा भ्रमन्ति, तो ये हो जाएगा मीरा भ्रमन्ति। फिर मीरा नयस्यति, तो ये हो जाएगा मीरा नयस्यति। फिर हो जाएगा मीरा चलन्ति, तो इस तरह से आपको लिखना मीरा चलिष्यति। फिर मीरा क्रीडन्ति, तो ये हो जाएगा मीरा क्रीडन्ती, और मीरा हस्यन्ती, तो मीरा हस्यन्ती, तो इस तरह से आपको वाक्य बनाते जाने हैं। फिर इसके बाद में है च अव्यय का प्रयोग करके वाक्यों में करें, इन अब च अव्यय का प्रयोग करना है, तो इसको कैसे बनाओगे आप लोग, च अव्यय का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे जैसे कि मी राजीव मीरा च, यानी कि आपको ये राजीव मीरा और च तक तो वाक्य बना के दिया हुआ ही है, अब आगे इन शब्दों से इस वाक्य को जोड़ना है। राजीव मीरा और च जो अव्यय है वो यहाँ लिखा है, और इसके बाद में जो वाक्य बनेंगे उनको यहाँ पे लिखा है, किन किन तरीके से आप वाक्य बनाएंगे, क्रियाओं से, ये सारी क्रियाएं लिखी हुई है। तो इसके बाद में जैसे बना है राजीव मीरा च नमती, तो राजीव मीरा च नमती का इसने बनाया, राजीव मीरा च नमती का इसने बना दिया है। फिर जैसे हमने भी यहाँ लिखा है राजीव मीरा च नमती, फिर इसके बाद में राजीव मीरा च हस्तः, इसको सेकंड से मिला दिया हस्तः, तो जो राजीव मीरा च हस्तः। फिर बना दिया राजीव मीरा च खादत, तो ये हो जाएगा राजीव मीरा च खादत। फिर हो जाएगा राजीव मीरा च धावत, तो ये हो जाएगा राजीव मीरा च धावत। राजीव मीरा च भ्रमत, राजीव मीरा च भ्रमत, तो हमने इसको इन सभी क्रियाओं से मिला करके इसके पांच वाक्य हमने यहाँ पे बना दिए हैं। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं अगले वाले में भी, इसमें लिखा है एकह वृक्ष है, तो एकह वृक्ष का तो इसने बना के दिया हुआ है, एकह वृक्ष है, एकह छात्र है,
एकः छात्रः, एकः सुदः, एकः सुदः, एकः गायकः, एकः गायकः और एकः बालकः, एकः बालकः। तो इस तरह से ये बना हुआ है। अब हमें इसी का जैसा अब ये नेक्स्ट वाक्य बनाना है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एकः वृक्ष फलंती, यानी एकः वृक्ष फलंती, यानी ये एक बना के इसने दिया हुआ है। अब हमें आगे बनाना है, एकः छात्रः पठति, एकः छात्रः पठति, एकः छात्रः पठति, इससे मिला देना है, इस एरो पर निशान लगाना है। इसी से हमें समझ में आएगा कि हमें इस तरह से वाक्य बनाना है या इस तरह से। तो जैसे कि यहाँ है एकः सुधः पश्यति, फिर हमने लिख दिया एकः सुधः पश्यति, एकः गायकः गायति, एकः गायकः गायति, एकः बालकः नमति, एकः बालकः नमति, यानी एक बालक नमस्कार करता है। तो इस तरह से ये पूरे वाक्य हमने बना दिया है एक शब्द से, एक अव्यय से। फिर इसके बाद में है यहाँ पे जो है नेक्स्ट है, अब हमें एका से बनाना है। तो ये बना हुआ है, इसने बना के दिया है एकः लता से, इसने बना के दिया है एकः लता, एकः अम्बा, एकः अध्यापिका, एकः अध्यापिका, फिर एकः छात्रा, एकः छात्रा, फिर एकः बालिका, फिर एकः बालिका, यहाँ पे ये बालिका ही होगा, इसको आप सही कर लेना, एकः बालिका। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे बनाना है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये चित्र, इसमें से आपको लिखना है और देखना है कि जहाँ पे लिखा है एकः शब्द से, तो एकः लता विकसति, तो एकः लता विकसति को इसने यहाँ पे लिख दिया, एकः लता विकसति यहाँ पे लिख दिया। फिर एकः अम्बा पचति, तो एकः अम्बा पचति को हमने इससे मिला दिया है। फिर एकः अध्यापिका पठ्यति, तो एकः अध्यापिका पठ्यति, फिर एकः छात्रः पठ्यति, फिर एकः छात्रः पठ्यति, फिर एकः बालिका हसति, फिर एकः बालिका हसति, इस तरह से ये वाक्य यहाँ पे लिखा हुए हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाते जाने हैं। फिर अगला है यहाँ पे आठवां है आपका, यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं एकम से बनाना है अब आपको। तो एकम पुष्पम, तो एकम पुष्पम, एकम मित्रम, एकम पत्रम, एकम ग्रहम, एकम नगरम, एकम फलम, तो इस तरह से आपको बनाने हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे बना एकम पुष्पम, एकम मित्रम, एकम फलम, एकम ग्रहम, एकम नगरम, तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर अगला है यहाँ पे एकम फलम खादति, एकम पुष्पम विक्षति, एकम मित्रम मिलति, एकम पत्रम लिखेति, एकम ग्रहम रचेति, एकम नगरम गच्छति। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने वाक्य, एकम पुष्पम विक्षति, एकम मित्रम मिलति, एकम पुत्रम लिखे पत्रम लिखेति, एकम ग्रहम रचेति, एकम नगरम गच्छति, एकम फलम खादति। तो इस तरह से आपको ये सारे वाक्य बनाने हैं। कुछ और वाक्य भी होंगे तो वो इसी तरह से आप बनाओगे, अगर इस तरह का कोई इंडेक्स आता है तो इस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं। फिर इसके बाद में है स सर्वनाम पुल्लिंग शब्द एक वचन से वाक्य बनाइए। यहाँ पे स सर्वनाम पुल्लिंग शब्द और एक वचन से वाक्य बनाने हैं। ये जो स है वो क्या है, सर्वनाम है, स और सा सर्वनाम है। तो अब सर्वनाम से वाक्य हम बनाएंगे, एकम मयूर नृत्यति, तो यहाँ पे इसने एक दिया हुआ है, एकम मयूर नृत्यति। अब हमें बनाना है एक अश्व धावति, हमने बना दिया तो मतलब स मयूर नृत्यति, तो इसने बना दिया स मयूर नृत्यति। फिर स अश्व धावति, तो स अश्व धावति, तो इसने स से बनाया स अश्व धावति, स सिंह गर्जंती, तो इसने बनाया स सिंह गर्जंती। फिर बनाया इसने स वदति शुंक, स वदति शुंक। फिर इसके बाद में स वानर कुर्दंती, स वानर कुर्दंती, तो इस तरह से इसने सर्वनाम शब्दों से ये वाक्य बनाया है। फिर इसके बाद में अगला है स सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द एक वचन से वाक्य बनाइए। तो ये हो जाएगा सा गायिका गायति, सा मीरा नृत्यति, स अम्बा पचेति, सा छात्रा पठेति, सा वाटिका विकसति, तो इस तरह से ये वाक्य बनाने हैं।